क्या? नहीं, इतनी जल्दी बैलेंस खत्म हो गया? कल ही तो डलवाया था, फिर 20 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। उफ, कितनी इंपॉर्टेंट कॉल है ये। हेलो, हाँ जमीर, बोलो। क्या? मैं उसका कत्ल कैसे कर सकता हूं? हेलो, इसने मेरा फोन काटा। हेलो, हाँ जमीर, शट अप, आइंदा मुझे कॉल मत करना। कोई मेरा फोन नहीं काटता, मैं किसी का भी फोन काट सकता। लोकेशन के लिए किडनैपर ने फोन किया था, अब वो 1 करोड़ मांग रहे हैं। व्हाट डैड, 1 करोड़ रुपए? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। पर डैड, 1 करोड़ कैश आप इतनी जल्दी अरेंज कैसे करेंगे? तुम अमीर तो हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर का गरीब अभी तक जिंदा है। सुबह बैंक मैनेजर 1 करोड़ रुपया कैश देके गया। अब तुम यहां बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्या अंदर जाके कॉफी भेजो? क्या आउट? सुस्त बॉस, आपका टूथपेस्ट क्या हो गया? टूथपेस्ट लाने में इतनी देर? पता है ना, मैं टूथपेस्ट ना करूं तो मेरे दांतों में इरिटेशन शुरू हो जाती है। बॉस, वो रफी कहाँ है? वो 2 मिनट नूडल बना रहा है। तो उसे 2 आवर क्यों लग रहे हैं? ये तो वही बताएगा। यार, एक मशवरा तो दो। पता है बॉस, कि जमीर तो बहुत ही बेजमीर आदमी निकला। क्यों बॉस? मुझसे उस खूबसूरत नाजुक सी लड़की को मारने का कह रहा है। क्या? फिर अब क्या करेंगे? आपने क्या कहा उसको? मैंने तो साफ मना कर दिया। क्यों? मैं क्यों उसे मारूं? लेकिन बॉस, बात तो जमीर की भी ठीक है ना? उस लड़की को सारा पता चल गया है कि इस गेम के पीछे जमीर का हाथ है। आज नहीं तो कल जमीर अंदर जाएगा, और वो अंदर गया तो हम अंदर। वो तो सब ठीक है, लेकिन इस दिल का क्या करूं? मतलब मुझे उस लड़की से थोड़ा थोड़ा लव होने लगा है। हैं? अपना दिल दे बैठा हूं उसको। बॉस, वो लड़की आपकी लीक से बाहर नहीं है? क्या करूं, सारी जिंदगी किडनैपिंग्स करके तो कमाया नहीं जा सकता। सोचता हूं उससे शादी कर दूं और लाइफ में सेटल हो जाऊं। आपकी लीक से थोड़ी बाहर नहीं है? यू मीन शी इज आउट ऑफ माई लीक? मगर शी इज क्वाइट स्टूपिड, थोड़ी बेवकूफ है। मैंने देखा है, अगर वो उस बेवकूफ लड़के के लिए इतना पैसा खर्च कर सकती है, तो मैं तो उससे कई ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम। मेरे लिए तो वो पागल ही हो जाएगी। सोचता हूँ कब तक यूं ही किडनैपिंग्स करता रहूंगा, किसी से शादी करके लाइफ में सेटल हो जाता हूँ। तुम भी मेरे यहाँ नौकरी कर लेना, गार्ड की। छोटे से कमरे में बैठे रहना पंखा लगा के। ठीक है, पंखा कभी यहाँ जाएगा कभी वहां जाएगा। ठीक ठीक है बॉस, ये आपका टूथपेस्ट रखो, मैं आगे करता हूँ। ठीक है, मैं रफीक को देखता हूँ। हाँ, क्या करूं? सोचता हूँ उससे शादी कर लूं, फिर सोचता हूँ कहीं
जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं कर रहा। हो सकता है मेरे नसीब में कोई उससे भी ज्यादा प्यारी लड़की लिखी हो, लेकिन फिर सोचता हूँ कि किसी लड़की के सर पे हाथ रख देना भी सवाब का ही काम। कहाँ लेके जाऊंगा इतनी गुड लुक्स।